इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में बताए थे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है, यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में समझाया जा चुका है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट प्रकाश का व्यतिकरण डिटेल बताए थे। इसमें अभी हम लोग को पढ़ना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का प्रकार। पिछले वीडियो में भी बताए थे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में, उसका टाइप भी बताए थे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का दो टाइप है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का हिंदी क्या है, रचनात्मक व्यतिकरण, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का हिंदी हो गया विनाशी व्यतिकरण। दो लाइट वेव जब मिलता है सुपर इम्पोज होता है, यानी उसका अध्यारोपण होता है, तो उसको इंटरफेरेंस कहते हैं। और इंटरफेरेंस होने में उसका लाइट एनर्जी अधिक होता है, कम होता है, उस आधार पर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट दो प्रकार का होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड में, और कंपटीशन के लिए भी ये पॉइंट हमको याद रखते हैं, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है आसान। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको क्या है उसको हम जानेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो एक तरह से ये देखें तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी इसको बोलते हैं रचनात्मक व्यतिकरण। रचनात्मक व्यतिकरण तो रचनात्मक व्यतिकरण वह व्यतिकरण है जिसमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो। एम्पलीट्यूड यदि मैक्सिमम होगा तो उसका वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू A1 प्लस A2 हो जाता है। A1 फर्स्ट लाइट वेव का एम्पलीट्यूड है, A2 सेकेंड लाइट वेव का एम्पलीट्यूड है। इंटेंसिटी अगर मैक्सिमम है यानी तीव्रता इसका अधिकतम है, तीव्रता अधिकतम है, तो तीव्रता जब अधिकतम है तो आई मैक्सिमम इक्वल टू रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर आ जाता है। तो बस सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आप याद रखिए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम होता है ए मैक्स इक्वल टू A1 प्लस A2 होता है, और मैक्सिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर होता है। तो उसको हम लोग रचनात्मक व्यतिकरण कहते हैं। इसका रचनात्मक व्यतिकरण के लिए यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस, जिसका हिंदी क्या होता है कालांतर, फेज डिफरेंस जिसका हिंदी क्या होता है कालांतर, फेज डिफरेंस कितना होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कई बार इसे पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। फेज डिफरेंस को डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 2n पाई होता है। एन का वैल्यू 0 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से जाता है। ये फेज डिफरेंस है किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। फिर पाथ डिफरेंस, जब फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस की बात करते हैं, जिसको डेल्टा एक्स डिनोट करते हैं। पाथ का अंतर, एक फेज चला दूसरा सॉरी एक वेव चला लाइट सोर्स से, दूसरा वेव चला लाइट सोर्स से, दोनों के बीच में रास्ते का क्या अंतर है उसको पाथ डिफरेंस कहते हैं। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लंबा होता है, वेयर एन इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 डॉट 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 ये होता है। तो डायरेक्ट हम याद रखें, ऐसे रिलेशन हम प्राप्त भी कर सकते हैं लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कितना होता है,
तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना होता है एन लैम्डा। एन का वैल्यू यहाँ भी जीरो से शुरू होता है, जीरो वन टू थ्री। तो आपको ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब एग्जाम में पूछेगा तो वही पूछेगा कि एम्पलीट्यूड उसका मैक्सिमम कितना होता है, वो कितना वैल्यू है, इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है उसका कितना वैल्यू है, फेज डिफरेंस कितना है। तो डेल्टा इज इक्वल टू एन पाई, एन पाई हम बता देंगे। पाथ डिफरेंस कितना होता है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा। एन का वैल्यू जीरो वन टू थ्री आप बता देंगे। तो ये मुख्य रूप से इसको याद रखना है, ठीक है। पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस ऑब्जेक्टिव के लिए, ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिनिमम भी आपको पूछा जा सकता है। अब ये एक और फॉर्मूला है, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, यानी कालांतर और पथांतर में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो ये रिलेशन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू पाई इंटू डेल्टा होता है, ये याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है कि ये इम्पोर्टेंट है। पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स को बोलते हैं, फेज डिफरेंस डेल्टा को बोलते हैं। ये रिलेशन से ही यहाँ पर लिखा जाए, इसी रिलेशन से अगर फेज डिफरेंस पता है तो पाथ डिफरेंस निकल जाता है। और इस फेज डिफरेंस को निकालने के लिए यहाँ जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आया है वहाँ कॉस डेल्टा का वैल्यू वन लिया गया है, ये सब प्राप्त हुआ है। तो ये रिलेशन याद रखेंगे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू पाई इंटू डेल्टा। तो इस तरह से डेल्टा एक्स ये पाथ डिफरेंस है और डेल्टा फेज डिफरेंस है। अब इसके बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको हम लोग कहते हैं विनाशी व्यतिकरण, दूसरा टाइप इंटरफेरेंस का विनाशी व्यतिकरण, ये क्या है। तो इसमें इंटेंसिटी मिनिमम होता है और एम्पलीट्यूड भी क्या होता है, मिनिमम होता है। तो उस प्रकार के इंटरफेरेंस को ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है, मतलब आयाम न्यूनतम होता है। आयाम इसमें क्या होता है, न्यूनतम होता है आयाम। आयाम न्यूनतम होता है, इंटेंसिटी भी न्यूनतम होता है, यानी तीव्रता भी न्यूनतम होता है। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होता है, ए मिनिमम इक्वल टू ए वन माइनस ए टू, याद रखेंगे। इंटेंसिटी मिनिमम होता है, ये कितना होता है, आई मिनिमम इक्वल टू रूट अंडर आई वन माइनस रूट अंडर आई टू का होल स्क्वायर। आई वन फर्स्ट लाइट वेव का इंटेंसिटी है, आई टू सेकेंड लाइट वेव का इंटेंसिटी है। अब इसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस याद रखना है कितना होता है, डेल्टा इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई। एन का मान यहाँ भी जीरो वन टू थ्री से शुरू होता है। और ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आपको इम्पोर्टेंट है। फेज डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई। अब पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू लैम्डा बाई टू होता है, ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये याद रखेंगे, एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है, इंटेंसिटी मिनिमम होता है, फेज डिफरेंस टू एन प्लस वन इंटू पाई, पाथ डिफरेंस टू एन प्लस वन इंटू लैम्डा बाई टू होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो इस तरह से इंटरफेरेंस का दो प्रकार हम लोग पढ़े, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस क्या होता है इसको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए
एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है, इंटेंसिटी मिनिमम होता है, और फिर फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस क्या होता है उसके बीच का अपना सब रिलेशन याद रखना है। ये क्वेश्चंस जनरली पूछे ही जाते हैं। अब इसमें ये आप ये याद रखेंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए हैं। ये एग्जाम वगैरह में, ट्वेल्थ बोर्ड में, कंपटीशन वगैरह में ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का वो चीज वही फॉर्मूला है। अगर आई मैक्सिमम बट आई मिनिमम कर दे तो आई मैक्सिमम का वैल्यू रूट अंडर आई वन प्लस रूट अंडर आई टू का होल स्क्वायर बाय रूट अंडर आई वन माइनस रूट अंडर आई टू का होल स्क्वायर, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बटा मिनिमम एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू वन प्लस ए टू बाई ए वन माइनस ए टू। तो कभी ऐसा होता है ए वन ए टू का वैल्यू आपको दिया हुआ है तो कहता है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो बताए। आई वन आई टू दिया हुआ है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताइए, उसमें दिया हुआ रहता है तो ये निकालना होता है। कभी ऐसा होता है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिया है, मिनिमम एम्पलीट्यूड दिया है, कह गया कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताइए, तो आई मैक्सिमम बटाई मिनिमम इज इक्वल टू ए मैक्सिमम का होल स्क्वायर बटाई मिनिमम का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, आई मैक्सिमम बटाई मिनिमम इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू आई मैक्स ए मैक्सिमम। ये रिलेशन आया कहाँ से, तो इंटेंसिटी जो होता है इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। लाइट का जो इंटेंसिटी है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो इस आधार पर आई मैक्सिमम होगा तो ए मैक्सिमम होगा, आई मिनिमम होगा तो ए मैक्सिमम ए मिनिमम होगा, उस आधार पर ये रिलेशन हम लोग प्राप्त किए। तो फिर ए मैक्सिमम का वैल्यू ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर, ए मिनिमम का वैल्यू ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर, आई मैक्स और आई मिनिमम इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर बाय ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर। इस तरह से कुछ इस ये फॉर्मूला हम आपको दिए जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का कुछ बाकी था। इसके बाद इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का ये बेसिक थ्योरी हो गया जिसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस क्या होता है। अब इस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, थॉमस यंग ने एक अपना एक्सपेरिमेंट दिया और एक्सपेरिमेंट से पर्दे पर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी प्राप्त करके उन्होंने ये फ्रिंज चौड़ाई प्राप्त किया जिसको फ्रिंज विड्थ कहा जाता है, ब्राइट बैंड डार्क बैंड प्राप्त होता है। तो इसके बाद का वो थ्योरी है, ये यहाँ पर अगर स्क्रीन होता है, ये इस तरह से अगर स्क्रीन है तो इधर से लाइट सोर्स से जा रहा है तो यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट, इसके बाद डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, यहाँ डार्क फिर ब्राइट डार्क फिर ब्राइट, तो इस तरह से इसको कहते हैं। ये सेंट्रल ब्राइट होता है, ये पहला डार्क होता है, ये पहला ब्राइट होता है, ये दूसरा डार्क होता है, फिर ये दूसरा ब्राइट होता है, इसी तरह से फिर यहाँ पर नीचे अगर चले तो ये पहला डार्क होता है, फिर इसके बाद पहला ब्राइट होता है, फिर दूसरा डार्क होता है यहाँ पर डी टू, फिर यहाँ पर दूसरा ब्राइट होता है। इस तरह से ये स्क्रीन पर ये चमकीला पट्टी, केंद्रीय चमकीला पट्टी जिसको सेंट्रल ब्राइट बैंड कहते हैं, पहला चमकीला पट्टी जिसको फर्स्ट ब्राइट बैंड कहते हैं, और पहला ब्राइट डार्क बैंड है, फिर दूसरा डार्क बैंड है, दूसरा ब्राइट बैंड है, फिर सेंट्रल ब्राइट बैंड के नीचे फिर पहला डार्क, नीचे का निगेट नीचे का पोजीशन ऊपर का पोजीशन। इस तरह से YDSE एक्सपेरिमेंट में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये सारे कंसेप्ट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से देखा जाए तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस के कारण ही इस तरह से ब्राइट बैंड डार्क बैंड की पट्टियाँ पर्दे पर प्राप्त की जाती हैं। इसका अपना थ्योरी जो है
बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से ही प्राप्त होता है, इसकी जानकारी अगले वीडियो में देते हैं। थैंक यू।